भारतीय जनता मजदूर संघ श्रमिकों के क्षेत्र में श्रमिकों के लिए वेलफेयर का कार्य कर रही है। लगभग 28 प्रदेशों में यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर हम इस वक्त में अपने पूरे देश में यूनिट बनाए हुए हैं। सभी प्रदेश अध्यक्ष जिला इकाइयों तक पहुंच चुके हैं। सभी जिले में इकाइयां हमारी बन चुकी हैं। लगभग 50,000 से ज़्यादा वॉलेंटियर्स हमारे साथ में काम कर रहे हैं। सरकार की जो भी योजनाएं श्रमिकों के लिए हैं वो योजनाएं उन तक पहुंचे, इसका अवेयरनेस वेलफेयर के माध्यम से हम लोग करा रहे हैं। वह लोग चूँकि गरीब होते हैं, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती कि सरकार के द्वारा क्या योजनाएं हैं, इस वजह से समस्याएं पैदा होती हैं। हमारे वॉलेंटियर्स उनको सरल भाषा में किस तरीके से उनके पंजीकरण कराने हैं, रजिस्ट्रेशन कराना और तमाम जो योजनाएं हैं उनको समझ में आए और वो उसमें भागीदारी कर हिस्सा ले पाएँ, उसका लाभ ले पाएँ, हमारे वॉलेंटियर्स इसके लिए काम कर रहे हैं। अभी सरकार ने टूल किट योजना शुरू की है जिसमें बढ़ई, राजगीर, जो महिलाएं बुटीक का काम करती हैं उनका सबके लिए एक टूल किट सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से योजना जो है वो लागू की गई है। वो टूल किट सभी श्रमिकों को जो जो उस व्यवसाय से संबद्ध हैं उन सबको मिलने, इसके लिए भी हमारे वॉलेंटियर्स काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना, इस सब में जो अनुदान दिया गया है वो उन तक पहुँचे और उसके लिए उनको किसी तरीके से कोई मध्यस्थ करने वाले लोग जो हैं उन्हें परेशान ना करें, इस चीज़ पर भी हमारे लोग जो है ध्यान दे रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना जिसमें स्वास्थ्य की योजना जो है 5 लाख रुपये तक गरीब समाज को मिलना है वो उनको मिले, इसका भी हमारे कार्यकर्ता बंधु जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं और उनको मिले उसके लिए उनको ये सहयोग कर रहे हैं। हम आज यहाँ दक्षिण भारत में तेलंगाना में यहाँ बैठे हैं। हमारे आसपास के जितने दक्षिण भारत के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सब यहाँ इकट्ठा हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, सब जगह से प्रदेश अध्यक्ष हमारे आए हुए हैं और आज हम सब लोग यहाँ पर बैठ कर के आगे किस तरीके से इस काम को क्रियान्वित करना है इस पर हम बल देंगे। किसान मजदूर, जो कि किसान जो है वो तो खेत दे देता है काम करने के लिए, मगर उस खेत में जो मजदूर झोंपड़पट्टी डाल करके मजदूरी करता है, बागों की रखवाली करता है, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा के लिए हमारे जो सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुँचें, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम किसान मजदूर के लिए काम करते हैं। हम जो है रेहड़ी पटरी, रिक्शा चालक, टैक्सी जो बच्चे चला रहे हैं, ड्राइवर हैं, इन सब के वेलफेयर के लिए हम योजनाएं चला रहे हैं। इन सब योजनाओं को सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को सरकार द्वारा जो तरीका है उसी के माध्यम से हम लोग उन तक पहुँचाएँ, ये हमारा प्रयास है। अंदर की नमस्कार। ఈరోజు నా మీద నమ్మకం ఉంచి మన రాష్ట్రీయ అధ్యక్షులు గారు శాంతిప్రకాష్ జాటవ్జీ గారు నాకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు అప్పగించినందుకు నేను వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే నా మీద నమ్మకం ఉంచి ఈ బాధ్యతలు అప్పగించినందుకు సాయశక్తుల సంఘం కోసం, భారతీయ జనతా మజ్దూర్ సంఘం కోసం అనునిత్యం కష్టపడి పనిచేస్తాను అని నేను ఈ సభ ద్వారా మీకు అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే ముందు కార్మికుల కోసం ఏవైతే రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు పథకాలు అమలు చేస్తున్నారో అవన్నీ వారికి చేరే విధంగా అవగాహన సదస్సులు ఏర్పాటు చేసి ముందు ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేస్తామని ఈ సభావేదిక మన పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా, మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 100 గజాల స్థలము లేదా 2 BHK బెడ్రూమ్ అలాట్ చేయాలని, అలాగే వారికి ద్విచక్ర వాహనం కూడా ప్రభుత్వం అలాట్ చేయాలని నేను మా సంఘం తరఫున డిమాండ్ కూడా చేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు.
दक्षिण भारत में मेरे सभी प्रदेश अध्यक्ष उनकी कुछ जिज्ञासाएं थी और जो कार्यकर्ता यहाँ कार्य कर रहे हैं उन सबको भारतीय जनता मजदूर संघ के कार्य से स्पष्ट स्थिति से अवगत कराना वो जरूरी था। अभी 28 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता मजदूर संघ वेलफेयर समिति के रूप में काम कर रही है और साथ ही साथ श्रमिक फेडरेशन के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता मजदूर संघ के साथ में आसाम का पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ वो हमारे साथ में एफिलिएटेड है, दिल्ली का NDMC नगर निगम नगर पालिका परिषद वो हमारे साथ में एफिलिएटेड है, 70 से ज्यादा चाय बागान पश्चिम बंगाल के उनकी एसोसिएशन हमारे साथ में एफिलिएटेड है, लगभग 400 से ज्यादा देश भर में इंडस्ट्रीज और तमाम श्रमिक यूनियन जो है वो हमारे साथ में एफिलिएटेड है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो श्रमिकों की मदद के लिए काम करना चाहता है उनको लेकर के हमने ये वेलफेयर प्रोग्राम स्थापित किया है। हर एक इंसान एक दूसरे को मदद करना चाहता है मगर मदद नहीं कर पाता, उसके लिए सबसे मुफीद प्लेटफॉर्म है। अब इसमें मदद कैसे करना, इधर देखो भैया सर मुझे सर को देख